हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ओटीटी के छुपे रुस्तम। तो भाई, जैसे आपको नाम से पता चल ही गया होगा, यहाँ हम उन शोज का पोस्टमार्टम करेंगे जो छुपे रुस्तम है, यानी कि शायद उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन इनको अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा आपकी लाइफ में गजब का एंटरटेनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एपिसोड के पहले शो के पोस्टमार्टम से, और इस शो का नाम है द हैंडमेड टेल। दी हैंडमेड टेल वैसे तो हुलू की ओरिजिनल सीरीज है, लेकिन इंडिया में इसे लेके आई है अमेजॉन प्राइम। ये अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है और इसमें हिंदी सब टाइटल्स हैं, इंग्लिश डब वर्जन, हिंदी डब वर्जन सॉरी नहीं है इसका। लेकिन ये शो बहुत ही खूबसूरत है। ये इसी नाम की एक नॉवल दी हैंडमेड टेल, जो कि 1985 में आई थी और बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, उसी पर बेस्ड है। इस फिल्म, इस नॉवल पर बेस्ड एक फिल्म भी बन चुकी है और आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कंटेंट है इसका। तो अब आते हैं इसके स्टोरी लाइन पे। तो स्टोरी लाइन है, ये डायस्पियन जॉनर पे बेस्ड है। डायस्पियन जॉनर वो होता है जिसमें हम फ्यूचर के घटनाओं को इमेजिन करते हैं और उस पर बेस्ड करके ये कहानी बनाते हैं। तो जी, फ्यूचर अमेरिका को दिखाया गया है और इस फ्यूचर अमेरिका में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। ओहो, दुनिया का सुपर पावर विद नो डेमोक्रेसी। जी हाँ, यहाँ पर एक तालिबान या यूँ कहिए कि नाजी टाइप की एक गवर्नमेंट आ चुकी है जो कि अपने मनमर्जी से रूल करती है। अगर किसी ने भी कोई भी इस पर उंगली उठाई या कुछ भी कहा तो भाई फिर उसकी खैर नहीं, उसको चौराहे पे लटका दिया जाएगा। गिलियड नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका में इसके रूल में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई हैं औरतों के लिए। औरतें अब काम नहीं कर सकती, औरतें अब अपने मर्जी का कपड़ा नहीं पहन सकती, औरतें अब अपनी मर्जी के रंग भी नहीं पहन सकती, कुछ बैंक खाते भी नहीं खोल सकती, कोई प्रॉपर्टी भी इनहेरिट नहीं कर सकती, ना अपने पति का ना अपने पिता का। मतलब एक तरीके से उनका सिर्फ यही रोल दिया गया है कि भाई आपको घर देखना है और बच्चे संभालने हैं। अब ऐसा क्यों हुआ अमेरिका में, तो ये दिखाया गया है कि एक वक्त ऐसा आया कि ज़्यादा आज़ादी की वजह से और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ की वजह से और टॉक्सिक और पोल्यूशन की वजह से औरतों का फर्टिलिटी रेट गिर गया है। औरतों के फर्टिलिटी रेट गिर जाने की वजह से खुद लोगों के अंदर से आवाज़ आने लगी कि भाई हमें आप अपने पुराने कल्चर पर वापस चले जाना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी में डिप आ रहा है, ह्यूमन रेट्स पे। तो कहते हैं ना कि कोई भी गवर्नमेंट आने के लिए भैया वहाँ के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वहीं के ही लोग सपोर्ट करते हुए गिलियड को ले आते हैं, लेकिन जब गिलियड आती है और आते ही न्यूज़पेपर वगैरह पे सेंसर लगा देती है और इस तरीके के रूल्स ले आती है, तो लोगों को समझ में आता है कि भैया ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो धोखा हो गया। और फिर अमेरिका के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, रेफ्यूजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कनाडा भाग के चले जाना चाहते हैं। तो अब आते हैं कहानी के किरदार की स्टोरी लाइन पे, जहाँ से शुरू होती है। तो ऑफरेड भी ऐसी ही एक लड़की है जो कि भागकर कनाडा जाना चाहती है। ऑफरेड का एक हंसता खेलता परिवार है, अपने पति ल्यूक के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉयरा के साथ। उसकी माँ एक फेमिनिस्ट है, उसकी माँ डॉक्टर भी है और उसकी एक प्यारी सी छोटी बच्ची भी है। लेकिन जब वो कनाडा भागने की कोशिश कर रही होती है ये सब हालात देखकर, तो वो रास्ते में मिलिट्री के हत्थे चढ़ जाती है। उनकी आंखों के सामने उनसे उनकी बेटी छीन ली जाती है और उसे पता भी नहीं होता कि वो कहाँ लेके उसको जाया जा रहा है, और ऑफरेड को भेज दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्यों भैया? अगर आपने कुछ पाप किए हैं, मतलब अब क्या पाप है गिलियड की नज़र में, अगर आपने दूसरी शादी की है, अगर आपने डिवोर्स लिया है, अगर आपने अबॉर्शन लिया है किया है, अगर आपने क्या कहते हैं आप गे हैं या लेस्बियन हैं, आप फेमिनिस्ट हैं, तो अगर आप डॉक्टर है जिसने अबॉर्शन में हेल्प की है, तो भाई ये बहुत बड़े पाप हैं गिलियड की नज़र में। तो आपको बनना पड़ेगा हैंडमेड। हैंडमेड मतलब दासी, हैंडमेड टेल का मतलब दासी की कथा। और दासी कहाँ बनना पड़ेगा? गेस इट राइट, गिलियड के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं जिन्हें कमांडर्स कहा जाता है, आपको वहाँ पर दासी बनना पड़ेगा। अब आपके अलग अलग रोल्स हैं। अगर आप बूढ़े हो चुके हो, ऐसे ही हो, तो भैया आप वहाँ के उनके घर का काम करोगे। अगर आप यंग हो और आप फर्टाइल हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजकर हैंडमेड बनाया जाएगा, मतलब जिसमें आप उनके बच्चे पैदा करोगे। यस, इट इज़ जस्ट लाइक अ सेक्स स्लेव। आप उनको उनके साथ सेक्स करना और कमांडर्स के बच्चों को पैदा करना है, और इन सब में शामिल होंगी उनकी वाइव्स भी। यस, जो रिचुलाइज रेप है उसका नाम दिया गया है सेरेमनी, और उनकी बीवियों के सामने ये सब किया जाता है। आप, मैं ज़्यादा कहानी नहीं खोलूँगी, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बहुत ही लेयर दर लेयर परेशानियों को दिखाया गया है।
तो ऑफ्रेड भी एक ऐसी ही लड़की है जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से एक कमांडर के घर पर नियुक्त होती है, और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो इस चीज़ से कहाँ वो एक पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ एक सेक्स स्लेव उससे कैसे डील करती है और क्यों डील कर रही है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं वो नहीं कर रही क्यों, वो सब इसमें दिखाया गया है सीज़न दर सीज़न। अब कहानी के वाव पॉइंट्स पे आते हैं। कहानी का वाव पॉइंट्स है गज़ब का स्क्रीन प्ले, गज़ब की स्टोरी, गज़ब की एक्टिंग। जी हाँ, हर किरदार ने बहुत ही बखूबी से अपना रोल निभाया है। कहानी को आपको क्यों देखना चाहिए? कहानी को आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये एक प्रेम कथा भी है। इतनी बुरे हालातों में भी वहाँ पर एक प्यारी सी प्रेम कथा चलाई गई है निक और जून यानी ऑफ्रेड की, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए उम्मीदों के लिए कि बहुत बुरे हालात भी हो तो भी इंसानियत ऐसी होती है कि आप अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ते हो। कहानी को आप इसलिए देखिए कि एक माँ अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है, एक इंसान किस हद तक लड़ सकता है। तो ये सब कहानी के वो पॉइंट्स को ज़रूर देखिए। कहानी का लो पॉइंट अगर हम ढूंढें तो कहानी का लो पॉइंट कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर ज़बरदस्ती में हमें मीन में एक निकालना हो तो कहानी का दुख उसका लो पॉइंट है। आप कहेंगे दुख? कहूँगी हाँ, इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, इतना ज़्यादा मतलब उसमें दुख दर्द को दिखाया गया है, इतने लेयर कि कहे आप खुद फील करने लगते हो, आप खुद ग्लूमी हो जाते हो कई बार। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि सेकेंड वेव ही चल रहा था उस टाइम पर कोरोना का, और मैं तब देखने लगी थी शो को, और एक वक्त पर आके मुझे ऐसा लगा कि भाई बस अब और दुख नहीं झेला जा रहा, मैं ऑफ्रेड का ये गम नहीं बर्दाश्त कर सकती, और मैंने शो को देखना बंद कर दिया था सेकेंड सीजन के बाद। उसके बाद जब सेकेंड वेव खत्म हुई और उसके बाद मैंने दोबारा से फिर इस शो को किया, और अब मैं चार सीजन पूरे इसके देख चुकी हूँ। तो ये आपको लग सकता है कि भाई इतना दुख नहीं देखना है, तो इट्स ऑल योर चॉइस। अदर देन दैट कहानी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि कई बार हम अपने फ्रीडम को ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें अपने देश में जो फ्रीडम मिल रही है उसको हम ग्रांटेड लेके कहते हैं इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, पर फ्रीडम अगर असली में छिन जाए तो क्या होता है, ये देखने के लिए इस शो को ज़रूर देखिए। स्पेशली लड़कियाँ ज़रूर इस शो को देखो, एंड सो देखिए और मुझे बताइए आपको हैंडमेड टेल कैसी लगी, क्या आपका भी एनालिसिस वही है जो मेरा एनालिसिस है या कुछ डिफरेंट है। वी वुड लव टू डिस्कस। अगर आपके दिमाग में कोई शो है जिसको आपको लगता है मुझे देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल पे तो आप लोग नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड लेट्स डिस्कस। टिल देन बाय, शुभ खैर, शुभ रात्रि, और हाँ भाई सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, और दबा के अपना एंटरटेनमेंट चालू रखें। मिलते हैं अपने दूसरे एपिसोड OTT के छुपे रस्तम का, नेक्स्ट शो का पोस्टमार्टम लेके। थैंक यू।